हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, अभी मेरा फ्री का क्लासेस चल रहा है पेपर कटिंग पे। तो आज का वीडियो है बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग आपको कैसे करना है और कैसे आपको स्टिचिंग करना है और कैसे टक्स लगाना है, सारा कुछ बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक देखिए, बिना स्किप करके देखिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, और फिर भी अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत आए समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपका वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, बैक साइड का कटिंग तो है, लेकिन हम फ्रंट साइड वाला आप बताएंगे कि फ्रंट साइड में आपको कैसे करना है बेल्ट कटिंग। तो देखिए, फ्रंट साइड का कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, पेपर को हम इस तरीके से पहले फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम फोल्ड कर लिए। अब देखिए क्या करना है कि ब्लाउज का जो साइज होगा उसी हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। कटिंग कर लिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लाउज का साइज क्या है ये पहले देख लीजिए। ब्लाउज का साइज होगा हमारा 32 साइज, ठीक है। तो 32 साइज वाला ब्लाउज का फोर्थ भाग आपको लेना है, ठीक है। फोर्थ भाग आपका कितना होगा, 8 इंच, ठीक है, 8 इंच हो गया। और ये हमारा फ्रंट साइड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा 2 इंच मार्जिन हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से ब्लाउज का लंबाई नापेंगे। तो ब्लाउज का जो लंबाई होगा वो होगा हमारा 14 इंच पर। 14 इंच पर इसलिए होगा क्योंकि नीचे तरफ फोल्ड भी होगा और ऊपर तरफ भी फोल्ड होगा, इसलिए हम देखिए ब्लाउज का पूरा लंबाई ले रहे हैं 14 इंच। देखिए 14 इंच ले लिए, यहां पे एक दाग दे देते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पे कटिंग करके पहले एक्स्ट्रा कपड़ा को हटा लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा को हटा लिए। अब देखिए यहां पे हम नाप लेते हैं, क्या करेंगे हम, यहां से हम पूरा शोल्डर नापेंगे। पूरा शोल्डर हमारा होगा 5.5 इंच। अब यहां से हम नीचे तरफ लेंगे शोल्डर, सॉरी आर्म होल 5.5 इंच। आर्म होल ले लिए 5.5 इंच, इसको हम इस तरीके से सीधा दाग दे देंगे, हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए मिला देना, हो गया आर्म होल का गोलाई। अब हम क्या करेंगे, यहां पे आर्म होल तरफ से 3 इंच ले लेते हैं, और यहां से हम लंबाई लेंगे गला का, जितना आपको डीप रखना है उतना ही आपको लेना है, ठीक है। तो गले का डीप हम रख रहे हैं 6 इंच। अब इसको हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पे आपको जैसा शेप देना है ब्लाउज का, जो भी आपको डिजाइन पसंद है उसी हिसाब से आपको डिजाइन देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेन हम गोलाई का ही शेप दे रहे हैं, ठीक है, गोल हो गया आगे तरफ। अब देखिए, अब यहां से क्या करेंगे हम, ब्लाउज का जो टक्स पॉइंट है वो निकालेंगे। तो टक्स पॉइंट कितना पे होगा, 10 इंच पर। 10 इंच पर हो गया हमारा टक्स पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, देखिए 10 इंच पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम 2 इंच नीचे तरफ लेंगे, 2 इंच ले लिए। अब इसको भी सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसको भी सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखिए हो गया। अब हम यहां पे क्या करेंगे, टक्स पॉइंट को मिलाना है इस तरीके से, देखिए मिला दिए। अब अंदर तरफ लेंगे 1 इंच, और फिर बाहर तरफ भी लेंगे हम 1 इंच। अब इन दोनों को इस तरीके से तिरछा करते हुए मिला देंगे, मिला दिए।
ये हो गया हमारा टक्स पॉइंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक हम गोलाई का शेप देंगे पहले, इस तरीके से शेप देना है, दे दिए, क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो है इस यहां पर भी थोड़ा सा हल्का हल्का नीचे तरफ राउंड करते हुए गोलाई का शेप देंगे, ताकि जो है ये वाला गोलाई का शेप अच्छे से हो जाए। अब देखिए यहां से आपको डीप कितना रखना है, अपने हिसाब से रखना है, ठीक है। तो हम यहां से 4 इंच पर डीप रख रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से गोलाई का शेप देते हुए यहां पे मिला देना। तो देखिए इस तरीके से हमारा गोलाई का शेप आएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, जैसा हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे कटिंग कर लेंगे, आर्मोर का भी गोलाई कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, अगर आपको जॉइंट करना है आगे तरफ हुक पट्टी लेना है तो आपका ये वाला जॉइंट हटा देना है आपको, और अगर आपको पीछे हुक वाला नहीं करना है आगे हुक वाला करना है तो इसको हटाना है, और अगर आगे हुक नहीं करना है पीछे हुक करना है तो इसको आपको इसी तरीके से जॉइंट ही रहने देना है, और जो है पीछे तरफ का जॉइंट हटा देना है। देखिए ये हो गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे कट्स लगाएंगे ताकि पता चले कि मेरा सेंटर पॉइंट कौन वाला है, हो गया। और यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आपको कमर वाला को हटा देना है, ये जो कटिंग किए थे ये हो गया वेस्ट कपड़ा, इसको हटा देंगे, वेस्ट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जॉइंट हो जाएगा ये वाला इधर, और ये वाला हो जाएगा इस तरफ जॉइंट, ठीक है। तो देखिए हम जॉइंट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको करना है, इसको हम यहाँ पे पिन अप कर देते हैं, और इसी के ऊपर आपको आधा आधा इंच की दूरी पर मेन फैब्रिक्स पर रख के और कटिंग कर देना है। देखिए इस तरीके से आएगा एक तरफ, और इस तरफ भी उसी तरीके से जॉइंट करना है। इस तरीके से हो जाएगा जॉइंट। अब इसको कमर वाला को साइड कर लेते हैं, और जो टक्स है इसको हम जॉइंट कर देते हैं टक्स को। देखिए जिस तरीके से टक्स का था वैसे ही हम सेम जॉइंट करेंगे, इस तरीके से जॉइंट किए, और एक इस तरीके से जॉइंट होगा, यहां पे जो है टक्स बन के यहां पे पफ बन जाएगा, ये बहुत ही अच्छे से देखिए बना ना पफ। अब इसी तरीके से सेम इस तरफ भी करना है,
सॉरी देखिए पेपर है इसलिए फट गया, कपड़ा में इस तरीके से आपका पफ बन जाएगा। कितना अच्छे तरीके से हुआ है पफ देखिए। अब यहाँ पे इसको जॉइंट कर देना है, इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा। ये हो गया आपका जॉइंट कमर में। तो फ्रेंड्स देखिए ये हो गया आपका बेल्ट वाला, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी ट्रिक है। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।